नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो अभी बहुत ही जल्दी रिलायंस का कॉइन लॉन्च करने वाला है। जैसा कि आपने रिलायंस जियो के जो मोबाइल्स देखे, रिलायंस जियो ने ऑलरेडी मोबाइल लॉन्च किया हुआ है, DTH लॉन्च किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने लैपटॉप लॉन्च करने का प्लान किया है। और करंट न्यूज़ ये है कि रिलायंस जियो ने अभी फ़िलहाल बिटकॉइन की सफलता को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। और ऑलरेडी 50 मेंबर्स की जो टीम है, यंग प्रोफेशनल, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा क्या नहीं, वो आपको आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो जो कंपनी है उसने 50 यंग प्रोफेशनल्स को अभी अपनी जो टीम है उसके अंदर टेक ओवर किया है। और जो प्रोफेशनल है वो बिटकॉइन की जो क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वो प्रोग्रामिंग करके उस कॉइन को डेवलप करवा रहे हैं। बाहर के जो कंट्री है उनसे लाइजनिंग करके अभी इसका सॉफ्टवेयर बनेगा, फिर उसके बाद वेबसाइट लॉन्च होगी। वेबसाइट, ये जो सारी प्रक्रिया है वो 50 प्रोफेशनल प्लस में जो इंटरनेशनल इसके जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, उनके साथ मिलकर के जियो कॉइन लॉन्च किया जाएगा गाइज, ठीक है। और यह जो कॉइन होगा अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा गाइज। आने वाले टाइम में हम आशा यही करते हैं कि रिलायंस का जो कॉइन लॉन्च होने वाला है वो आने वाले टाइम में रिलायंस जो भी पेमेंट लेता है INR में, वो ना लेकर के INR में जियो कॉइन के रूप में लेगा। और इस जियो कॉइन का यूज़ आप जो DTH है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल के जो रिचार्ज हैं जियो के, और जो अभी शॉपिंग पोर्टल्स भी कुछ आने वाले हैं, हर जगह पे आप रिलायंस जियो के कॉइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने इन्फॉर्म किया है कि पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसी को अभी लीगल और इलीगल घोषित नहीं किया हुआ है। अभी जस्ट उसके ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन को तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। जैसा कि जियो का जो प्लान है वो इनिशियल फेज में है अभी ऑलरेडी, और जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग इसका जो यूज़ है आने वाले टाइम में मैनेजमेंट लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि जियो कॉइन हर जगह पे यूज़ होगा जहाँ मुकेश अंबानी का जो जियो कॉइन, जियो कंपनी का जो प्लान है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, टेलीकॉम सेक्टर में हो, लॉजिस्टिक सेक्टर में हो, मैनेजमेंट सेक्टर में हो, या मोबाइल लैपटॉप या परचेजिंग किसी भी सेक्टर में हो, हर सेक्टर में जियो कॉइन का यूज़ किया जाएगा। जैसा कि RBI ने भी अभी जो इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर और RBI ने दोनों ने मिलकर के अभी जो डिक्लेयर किया है कि बिटकॉइन का जो रेगुलेशन अभी नहीं होगा, फिलहाल एडवाइजरी कमेटी बैठी हुई है, डिस्कशन चल रहा है। और रिलायंस का जो जियो कॉइन है वो लॉन्च होने से पहले बहुत अच्छी खबर आ सकती है गाइस, क्योंकि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी फ्रॉड काम नहीं करेगी ये, ठीक है। पहली बात तो ये है। और रिलायंस का जो कॉइन होगा वो गवर्नमेंट से टाइप होकर के ही लॉन्च होगा, ऐसे नहीं है कि विदाउट गवर्नमेंट के रेगुलेशन ये करेंसी को लॉन्च करेंगे। और वो जो कॉइन होगा, जितने भी 1300 वर्चुअल करेंसी चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, उनमें से उनकी जो ट्रेडिंग है वो इंडिया में 11 एक्सचेंज हैं जो कि ऑलरेडी वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग करती हैं। जो 11 टॉप एक्सचेंज है उन पर अभी इनकम टैक्स ने कुछ ऑफिशियली चेकिंग वगैरह किया था, तो उसमें कुछ अकाउंट्स पाए गए हैं और उन अकाउंट्स को अभी टैक्स फाइल करना होगा। तो इस तरह का जो रेगुलेशन का जो प्रोग्राम है वर्चुअल करेंसी का इंडिया में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जितने भी जो यूज़ होते हैं, तो अभी कमेटी बैठी हुई है, तो इसको लीगल और इलीगल का जो डिसीजन है वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। हो सकता है कि रिलायंस का जो जियो का प्लान है उसको लॉन्च होने से पहले गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हम ऐसी आशा करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। और इससे पहले मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का जो ओनर है, ठीक है, उन्होंने भी अभी एक कमेटी बैठा रखी है जो कि ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। तो फेसबुक भी आने वाले टाइम में अपना कुछ कॉइन लेकर के आ रहा है, और जब ये कॉइन लेकर आएगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो उसके बारे में हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें गाइस उसके लिए, ठीक है गाइस। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, जो भी इन्फॉर्मेशन है करंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी गाइस। और रिलायंस का जो भी प्लान है, पहले इनका ICO लॉन्च होगा, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।